हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा लास्ट पार्ट है टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है ये चार सब फाइलम में डिवाइडेड होता है और उन चार सब फाइलम में अलग अलग तरह की क्लासेस हमने देखी। जैसे हमने पढ़ा, पहला सब फाइलम कैलिसरेटा और दूसरा जो सब फाइलम था उसको हमने पूरा किया। अब इसमें आते हैं, बचे हैं दो सब फाइलम और। ये जो दो सब फाइलम है ये फर्दर डिवाइडेड नहीं है क्लासेस में, तो ये बहुत ही शॉर्ट में है और ये मैं आपको बताती हूँ दो लास्ट वाले सब। तो ये है तीसरा सब फाइलम ऑनिकोफोरा, और ऑनिकोफोरा में जो एनिमल एग्जाम्पल है वो है पेरीपेटस। इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ये जो एनिमल होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, संयोजक कड़ी होती है ये दो फाइलम की, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा की। संयोजक कड़ी का क्या मतलब होता है कि जो एनिमल है पेरीपेटस, इसमें आपको दोनों फाइलम के कैरेक्टर्स नजर आएंगे, एनलिडा के भी और आर्थ्रोपोडा के भी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑनिकोफोरा क्योंकि इसमें ऐसा एनिमल पाया जाता है जो दिखा रहा है कि जो एवोल्यूशन होता है उसमें, जैसे जो एनिमल्स एनलिडा के हैं वो ही इवॉल्व होके उन्होंने आर्थ्रोपोडन एनिमल्स उनसे बने। अब ऑनिकोफोरा में जो ये पेरीपेटस है ये टेरेस्ट्रियल होता है, टोटली टेरेस्ट्रियल, ये पानी में नहीं पाया जाता है, ये थल पे पाया जाता है। इसकी जो बॉडी है ये वर्म लाइक होती है, कीड़े नुमा, और ये अनसेगमेंटेड होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, थल पे जो रॉक्स होते हैं तो उनके जो खांचे होते हैं उनके बीच में ये पाए जाते हैं, जो पत्थरों और चट्टानों के बीच में जो क्रेविसेस होते हैं और जो नम नम होते हैं, नमी से युक्त होते हैं, उन जगहों पे ये पाए जाते हैं पेरीपेटस। जो इनका सिर है उसमें पाई जाती हैं एक जोड़ी एंटनी, एक जोड़ी जॉस और एक जोड़ी ओरल पेपली और एक जोड़ी सिंपल आइस। तो ये चारों चीजें इनके हेड में पाई जाती है। इनके जो लेग्स हैं ये अनजॉइंटेड होते हैं और लोब लाइक होते हैं, और इनके जो लेग्स हैं उनमें क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, नख मतलब खुर प्रेजेंट होते हैं इनमें। क्लॉज मींस नाखून, तीखे नाखून पाए जाते हैं इनमें। रेस्पिरेशन इनमें ट्रैकी के द्वारा होती है, और इनका जो एक्सक्रीशन है दैट इज बाय पेड नेफ्रीडिया। जो नेफ्रीडिया है जोड़ी प्रेजेंट होती है, मतलब ये नेफ्रीडिया जो है कई बार ज्यादातर सिंगल प्रेजेंट नहीं होती, इनकी जोड़ी प्रेजेंट होती है। जैसे अर्थवर्म में आपने देखा होगा चार जोड़ी होती हैं तो एक सेगमेंट में दो साइड बाय साइड सिचुएटेड होती हैं, तो इस तरह से इसमें भी पेड नेफ्रीडिया होती है जिनसे एक्सक्रीशन का काम पूरा होता है। और ये मैंने आपको बताई दिया है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, और ये मनुष्य होते हैं यानी इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, और एग्जाम्पल है पेरीपेटस। और डायग्राम आपको देखने को मिल ही रहा है, इसमें ये एंटीना दिखाए हुए हैं, आईज दिखाई हैं, ये लेग्स हैं, लेग्स के क्लॉज हैं, और ये फॉल्स सेगमेंटेशन इसकी बॉडी पे दिखाई दे रहा है। लास्ट सब फाइलम है ट्राइलोबिटोमोर्फा, और ये जो एनिमल्स हैं ये एक्सटिंक्ट फॉर्म्स हैं सारे ज्यादातर, मतलब जो ट्राइलोबिटोमोर्फा वो पहले पाए जाते थे और अब केवल इनके अवशेष मिलते हैं, और क्योंकि ये बहुत पहले ही मर चुके हैं और इनकी जो कुछ पार्ट्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं अर्थ के में अलग अलग फिनोमिनन से, तो उन प्रिजर्व पार्ट से हमको पता चला कि ये कैसे होते हैं।
ये जो एनिमल्स हैं ये मरीन हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, एक्सटिंक्ट हैं, तो मैंने बताई दिया आपको, विलुप्त हैं, और ये केवल हम इनकी स्टडी कर पाते हैं बाय फॉसिल ट्रायलोबाइट्स, मतलब हमको कहीं कहीं फॉसिल्स मिल जाती हैं उनको पढ़ के, और फिर इसका जो कनेक्शन है वो आर्थ्रोपोडा से बिठाया जाता है। ये जो हैं ये ट्रायलोबाइट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी थी वो तीन भागों में बटी हुई थी, तीन भागों में बटी हुई दिखाई देती है इनकी बॉडी, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रायलोबाइट्स। ये सब बॉटम ड्वेलर्स हैं, यानी जब जो समुद्र है उसके बिल्कुल जो निचला तल है उसमें ये पाए जाते हैं। और इनकी जो बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा। और मैंने जैसे बताया आपको ये तीन पार्ट्स में जो बॉडी डिवाइडेड होती है ये बाय लॉन्जिट्यूडनल फरोज, दो लॉन्जिट्यूडनल फरोज बने हुए थे इनकी बॉडी के ऊपर, जिनकी वजह से ये जो एनिमल्स हैं ये तीन पार्ट्स में, तीन लोब्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड पाई जाती है। इनमें वन पेयर ऑफ एंटेनी पाई जाती हैं जो कि हेड पर लगी हुई होती हैं। इनके भी अपेंडिजेस बायरमस होते हैं, और जो अपेंडिजेस हैं वो हर सेगमेंट पे लगे हुए होते हैं, बॉडी के हर सेगमेंट पे लगे हुए होते हैं, एक्सेप्ट जो लास्ट वाला सेगमेंट है उस पे कोई अपेंडिजेस लगे हुए नहीं होते हैं। तो और इसके एग्जांपल्स हैं ट्राईआर्थ्रस, एग्नोस्टस और डेलमेनाइट्स। ये कंप्लीट होता है ना आर्थ्रोपोडा। थैंक यू।